वी द पीपल, हम भारत के लोग। ये बात बार 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 बताई जा रही है और बार 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 बताई जाएगी, क्योंकि जिन लोगों को संघ समझ में नहीं आता, जिनको समण संघ की कल्पना या परिकल्पना या जो सिस्टम है या स्ट्रक्चर है वो समझ में नहीं आता, जिनको पर्ची काटने से और मुखिया बनने से, प्रधान बनने से, नेता बनने से ही सब कुछ हासिल होने की उम्मीद है या वो खुद बनना चाहते हैं, वो समण संघ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि समण संघ की बुराइयाँ करेंगे और 50 बातें उसमें निकालेंगे। तो दो बातें वो हमेशा निकालते हैं जिनका हम हमेशा जवाब देते हैं। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई, मेरे मित्र हैं, उनसे बात हुई। बातचीत में उन्होंने कहा कि भाई जब तक उद्देश्य नहीं होगा तो कैसे आप करोगे, ये क्या कर रहे हो आप, जो मीटिंग कर रहे हो ये महीनों से लगातार चल रही हैं आपकी, और मीटिंग आपकी सफल भी होती हैं, लोग आते भी हैं, तर्क वितर्क भी करते हैं, जुड़ भी रहे हैं, मगर जब आपका कोई उद्देश्य नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो करोगे क्या, और बिना उद्देश्य के लोग रुकेंगे क्यों और क्यों। तो मैंने उनसे कहा कि आप बताइए कि किस उद्देश्य से लोग रुके हुए हैं और कहाँ रुके हुए हैं और कब रुके हुए हैं और कौन से लोग रुके हुए हैं। दरअसल उनका जो कहने का मतलब था, क्योंकि उनका जो रुझान था वो पॉलिटिक्स में था, तो वो कहते थे कि पॉलिटिक्स जो है वो सारे मास्टर की चाबी है। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि अगर पॉलिटिक्स सारे मास्टर की चाबी है और अब तक वो ताला चाबी कई बार खुल चुका है, तो फिर सारा परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, क्यों सब चीज़ हाथ से चली गई, क्यों सारे अधिकार जो बाबा साहब लाए थे वो चले गए, क्यों कोई नहीं बोला, क्यों लोगों में एक साथ जोश नहीं आया, क्यों एक साथ पार्लियामेंट में हमारी बात नहीं उठी, क्या कारण रहे। वो चुप हो गए, क्योंकि हर आदमी अपना एक उद्देश्य माइंड में सेट करके चलता है जिससे वो ऊपर जाएगा, और ऊपर कहाँ जाएगा ये तो वो जाने, क्योंकि सबको ऊपर जाना है, अब कितना ऊपर जाना है ये वो जाने। तो ऊपर जाने के लिए उन्होंने सबने अपने अपने ऑब्जेक्ट अपने दिल में समाए हुए हैं, जो वो बाथरूम में बैठ के, टॉयलेट में बैठ के सोचते हैं। उनमें अधिकतर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, पहले नंबर ऑब्जेक्ट पे चलता है वो चलता है पॉलिटिकल पावर, यानी पॉलिटिक्स करनी चाहिए सबको इकट्ठे होकर। दूसरे नंबर पे चलता है कि प्रबुद्ध भारत बना के पूरे भारत को बौद्ध में करना चाहिए। तीसरे नंबर पे चलता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन होनी चाहिए, तो सोशल हम रिफॉर्म करेंगे, यानी कि सोशल बदलाव करेंगे, सांस्कृतिक बदलाव करेंगे, जो संस्कृति हमारी उसको बदलेंगे। चौथे नंबर पर चलता है, वो चलता है कि हम आर्थिक स्ट्रक्चर में सब लोगों को रोजगार देंगे, हम अपना बैंक खोलेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री खोलेंगे, अपने नर्सिंग होम खोलेंगे, अपने इंस्टीट्यूट खोलेंगे, अपनी दुकानें खोलेंगे, अपना बाजार बनाएंगे, हम सब चेंज कर देंगे, क्योंकि अब दुनिया में पैसा चलता है। पाँचवें नंबर पर जो युवा हैं वो कहते हैं कि हम शक्ति बनाएंगे, शक्ति बना के युवा दल बनाएंगे, और युवा दल बना के वो क्या करेंगे पता नहीं, या तो राजनीति करेंगे या धम में जाएंगे, कुछ उनको कुछ नहीं पता, उनका मार्गदर्शन हमें भी समझ में नहीं आया, मैंने कई लोगों से पूछा, उन्हें खुद नहीं पता, उनका मार्गदर्शन बड़ा कमज़ोर है। और भी छोटी मोटी बातें किसी की हो सकती हैं, जैसे किसी ने कोई मठ बना रखा है, किसी ने कोई आश्रम बना रखा है, किसी ने कोई छोटी मोटी संस्था बना रखी है, उनके मिक्स अलग अलग तरह के हैं, मोस्टली यही उद्देश्य होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वी द पीपल को उद्देश्य लेकर चलना चाहिए, तो वी द पीपल क्या उद्देश्य ले, पॉलिटिकल पार्टी हजारों बनी पड़ी हैं, उनसे कहीं कोई समस्या समाधान नहीं होने वाली है। अगर वी द पीपल के लोग हैं, अगर उन्हें पॉलिटिक्स ही करनी होती तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते, कर लेते अपना उद्देश्य पूरा, मगर वहाँ से समस्या सॉल्व नहीं होने वाली अगले 20 साल भी, क्योंकि सभी लोग अलग अलग पार्टियाँ बना के बैठे हुए हैं, हजारों पार्टियाँ हैं और सैकड़ों लोग हैं, यानी कि एक पार्टी में आधा आदमी भी नहीं आता है, 100 पार्टी हैं 10 लोग हैं, तो वो समस्या बिगड़ गई और ज़्यादा, क्योंकि सारे लोग वो साथ नहीं आए, उनको साथ आने की समझ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, अगर कोई धम्म में काम करना चाहता है तो धम्म में संघ एक नहीं है, भिक्कुओं के संघ अलग अलग हैं, दसियों संघ हैं भिक्कुओं के, जबकि भगवान बुद्ध का तो एक ही संघ था, तो वो भगवान बुद्ध को मानते हैं मगर भगवान बुद्ध की बात नहीं मानते, तो संघ अलग अलग हैं, और उनके अनुयायी भी उनको कभी नहीं कहते, वो कहते हैं जी जैसे कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, और वो आपस में एक संघ, एक दूसरे के संघ ही, कोई ऐसा भी नहीं सोचते कि कभी इकट्ठे हो जाए। और जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने मठ और आश्रम और बिहार और संस्थाएं बना रखी हैं, और वो अपने अलग अलग, कोई यूनिवर्सिटी के लिए पैसा इकट्ठा करता है, कोई बिहार के लिए, कोई भूमि के लिए, कोई आंदोलन के लिए, कोई जागरण के लिए, कोई हॉस्टल के लिए, कोई संस्कृति केंद्र के लिए, पैसे ही मांगते रहते हैं पूरे दिन, मतलब सारे अलग अलग बिखरे हुए हैं और सब पैसे मांगते रहते हैं, तो वहाँ बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि वो सब अलग अलग हैं और क्षेत्र के हिसाब से भी अलग अलग बटे हुए हैं, तो कैसे करोगे आप। फिर जो लोग आर्थिक काम करना चाहते हैं, आर्थिक काम करने के लिए लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, जिनके पास पैसे हैं उनके अपने पैसे लगे हुए हैं,
थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे भी कर लेंगे, उससे बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन नहीं आने वाला तुरंत। 100 साल में आ जाए, 2 साल में आ जाए, अलग बात है, तुरंत नहीं आने वाला, 10-5 साल में नहीं दिखाई देता। जो लोग कहते हैं कि हम सांस्कृतिक बदलाव करेंगे, सामाजिक बदलाव करेंगे, तो 70 साल से सामाजिक बदलाव के हजारों संगठन बने हुए हैं, और सांस्कृतिक बदलाव के संगठनों ने, सांस्कृतिक बदलाव तो हुआ नहीं, सामाजिक बदलाव तो हुआ नहीं, वो बदल गए, एक तो उनके टुकड़े हो गए, और उन्होंने क्या किया कि सामाजिक बदलाव के साथ साथ में राजनीति भी शुरू कर दी, धन का भी काम शुरू कर दिया, आर्थिक क्षेत्र में बाजारवादी भी शुरू कर दी, सामान भी बेचने लगे, और भी छोटे मोटे को काम करने लगे, जो उनके बस में आया वो करने लगे। तो सामाजिक जो संगठन थे, जो सांस्कृतिक परिवर्तन कराने वाले थे, वो सबका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो खुद ही बदल गए। तो वो क्या बदलेंगे, तो वो भी बात खत्म हो गई। तो सारा स्टडी करने के बाद में समझ में आया कि भाई अलग 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 क्षेत्र में काम करने से तो एनर्जी खत्म होती है, और सब अधिकार चले गए हैं, अब सबको इकट्ठा होना है, तो संघ बनाना है, क्योंकि संघ से संघ लड़ता है, तो संघ में जिसको जो करना है वो कर लेना। ये बात उनको समझ में नहीं आई, क्योंकि वो नेता बनना चाहते थे और उनको नेता ही बनना था, मगर हमें ये बात समझ में आ गई कि जिस व्यक्ति को ऊपर जाना है उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो संघ की और इकट्ठे होने की बुराई करेगा, सीधे नहीं करेगा, बार बार कहेगा उद्देश्य क्या है, बार बार कहेगा नेता कौन है। अरे बता तो दिया कि भाई नेता संविधान रहेगा, संविधान सबको चलाता है, पूरे देश को चलाता है, हजारों नेता पैदा करता है, आप संविधान पर चल के तो देखो, आप संवैधानिक स्ट्रक्चर तो अपने संगठन में लागू किया नहीं, और आप यहाँ आके मत्थामारी करते हो, जबकि आप सब जानते हो, क्योंकि आपको ऊपर जाना है, ऊपर तो भाई जाओ ऊपर, और परमानेंटली चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम समाज तो बच जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि इकट्ठे होने में शक्ति नहीं है। संघे शक्ति हमारा ही शब्द है, बुद्ध का पाली का, संघ में शक्ति होती है। कोई व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं मिला पूरी दुनिया में जो ये कहता हो कि इकट्ठा होने से नुकसान है, कोई फायदा होना हो मगर नुकसान कोई नहीं है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला हुआ जो इकट्ठा ना होना चाहता हो। ये कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा बुद्धिमान हैं, जो नेता हैं, जिनको ऊपर जाना है, तो मैं सारे लोगों से अपील करूँगा कि भाई इनको ऊपर पहुँचाओ, इनको छोड़ो, ये ऊपर चले जाएंगे, जैसे गुब्बारा होता है उसकी डोर पकड़ रहता है और वो ऊपर की तरफ भगता है गैस का गुब्बारा, उसके धागे को छोड़ दो, इन्हें ऊपर जाने दो, आप जमीन पर रहो, आप बच जाओगे, आप इकट्ठे हो जाओ, आप विदा पीपल में आओ, वहाँ सवाल जवाब करो, देखो कोई कमी है तो उसको दूर करो, क्योंकि विदा पीपल सबका है, सबको काम करना है, विदा पीपल में कोई नेता नहीं है। जिस दिन विदा पीपल में कोई नेता बनेगा, विदा पीपल अपने आप बंद हो जाएगा, ऐसा उसकी घोषणा है। इसलिए काम करो, जिद्द है जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे, जोड़ेंगे जीतेंगे, जुड़ना है और जोड़ना है। धन्यवाद।